अब सभी से आशु आशु एक लाइन का जवाब चाहूंगा और आप ही से शुरू कर रहा हूं। नाम बदलने से देश की किस्मत बदल जाएगी क्या? खेल कुछ ऐसा बनता दिख रहा है। प्लीज 15-15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। काश काश ऐसा होता। सरकारें अपनी निकम्मेपन को छुपाने के लिए इस तरीके की हरकतें करती हैं और यह दुनिया के लगभग हर उस देश में होता है जहां सरकारों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करके लोगों के हक में काम नहीं करती। आज की तारीख में जो दिक्कत है वो दिक्कत बहुत स्पष्ट है। क्या आपके पास बेरोजगारी का समस्या का समाधान है? क्या आपको प्राइस राइज समस्या का समाधान है? अगर समस्या का समाधान नहीं है तो नाम कुछ भी रखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? सौरभ मालवीय, नाम बदलने से देश की किस्मत बदल जाएगी? संदीप जी, विकास एक प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया में संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, जीवन, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ समाहित है। इसलिए उस गति से कार्य चल रहा है, हो रहा है, उस दिशा में उसी कड़ी में ये कदम उठाया गया है। आलोक शर्मा प्लीज 15 सेकंड। आलोक शर्मा देखिए, मुझे लगता है कि हार का डर पहले से ही सता रहा है। इंडिया गठबंधन का डर सता रहा है। संविधान में इनकी आस्था नहीं है। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर नाम से ही इनको एलर्जी हो, स्वाभाविक है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान में भी परिवर्तन करना चाहेंगे। एके वाजपेयी, नाम बदलने से देश बदल जाएगा? देखिए, ये किसी का केस ही नहीं है कि नाम बदलने से देश बदल जाएगा, ये ना कोई कह रहा है। सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर का सवाल है या नंबर वन, और संविधान में हमको ऑप्शन दिए सरकार को, इंडिया यूज करें या भारत करें, संविधान में बदलाव की कोई जरूरत है नहीं। और ना कोई कह रहा है कि बदलने की जरूरत नहीं, उसको सरकमेंट भी किया जा सकता है। केसी त्यागी साहब, नाम बदल कर देश बदल जाएगा? नहीं, मैं तो अपने प्रारंभिक संबोधन में कह चुका और मैं अपने मित्र आशुतोष जी से कहना चाहता हूं कि अगर बहुमत भी है तो भी संविधान के प्रेम्बुल को नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर ये बदलेगा तो तकरार होगी, राड होगी, और तकरार ऐसी होगी पूरे देश में हाहाकार मचेगा। देश की जनता एक तरफ होगी और इसको बदलने वाले एक तरफ होंगे। ये मामूली चीज नहीं है। तो ये मतलब इंडिया बनाम भारत पर ये महाभारत छिड़ गया है, कितना लंबा चलता है, आपको मुझको हासिल क्या होगा, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जो व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, राय अपनी साझा कीजिए, वो राय भी बताने वाला हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।